वेलकम दोस्तों, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं मोमिन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है तो उसे ऑनलाइन अपने मोबाइल से फिर या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे जेपीजी फ़ोटो के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर आपके पास फ़ोटो फाइल है जेपीजी फाइल है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप इस तरह से यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र उसमें ओपन कीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए पीडीएफ टू जेपीजी। तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ फाइल को जेपीजी फ़ोटो में कन्वर्ट करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देखिए, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइटें मिलेंगे। यहाँ पर ये देखिए स्मॉल पीडीएफ है, आई लव पीडीएफ है, पीडीएफ टू जेपीजी, जो भी आपको वेबसाइट पसंद आती है उस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी ऑनलाइन, द पीडीएफ जेपीजी फ्री कन्वर्टर ऑफ लुकिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जेपीजी क्वालिटी पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर 75 DPI है, 150 DPI है, 300 DPI है, यानी इसका रिजोल्यूशन है। तो हम यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन में रखते हैं और यहाँ से देखिए चूज़ अ पीडीएफ फाइल, तो जहाँ पर भी आपकी पीडीएफ फाइल रखी हुई है मोबाइल में कंप्यूटर में वहाँ से आपको इस तरह से ये पीडीएफ फाइल चूज़ करना है और यहाँ से कन्वर्ट टू जेपीजी पर क्लिक कर देना है। तो कन्वर्ट टू जेपीजी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड होगा और यहाँ पर देखिए योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, यू कैन डाउनलोड जेपीजी जिप फाइल। तो आप जिप फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं जेपीजी में। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से हमारे सामने यहाँ पर ये आ चुका है जेपीजी। अब इसे हम ओपन कर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये कितनी बेहतरीन क्वालिटी के अंदर यहाँ पर ये देखिए ज़रा सा भी यहाँ पर कुछ फट नहीं रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी के अंदर यहाँ पर इसने हमें जेपीजी फाइल बना कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको इस जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है कौन सी भी, तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में आना है, यहाँ पर आपको जेपीजी टू पीडीएफ लिखना पड़ेगा। अगर आपको फ़ोटो से पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करना है तो आपको जेपीजी टू पीडीएफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं आप वेबसाइट आ रहे हैं, कौन सी भी एक वेबसाइट को आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ फाइल जेपीजी फाइल, आप यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ से इस तरह से ये चूज़ कर लेते हैं हम एक फ़ाइल हमारी, और यहाँ से देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रही है, तो कन्वर्ट पर हम इसे क्लिक करेंगे। तो कन्वर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए जेपीजी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ से आप जूम करके देख सकते हैं आप उसे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको डाउनलोड अगर करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, सेव टू डिवाइस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ में। तो आप यहां पर देख सकती है पीडीएफ फाइल हमारी बन चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और अगर आपके पास जेपीजी फाइल है तो आप उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई सवाल या सुझाव हो पीडीएफ से रिलेटेड या जेपीजी से रिलेटेड उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।